नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियाल। इस समय कोरोना महामारी को लेकर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसी माहौल का फायदा कई लोग उठा रहे हैं और इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं ताकि आप लोग थोड़े से सतर्क हो जाएं। सावधानी बरतना इस वक्त बेहद जरूरी है क्योंकि इस मौके का फायदा कुछ अपराधी उठा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो दरअसल मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी कि आखिर इस मौके का, इस अवसर में, आपदा में किस तरीके से अवसर ढूंढने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। दरअसल हम ये सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो पेशेंट है उन्हें, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, जिसके चलते लोग जो है ऑक्सीजन सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और ऐसे ही कई नंबर जो है वो वायरल हो रहे हैं, मोबाइल नंबर्स वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में जब आपका कोई परिवार का सदस्य परेशान होता है, ऑक्सीजन की कमी से जूझता है, तो आप उस नंबर पर जब कॉल मिलाते हैं तो वो सीधे आपसे आपके उसके अकाउंट में पैसा डालने के लिए कहता है। और ना जाने अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं शायद आप लोग इससे होकर भी गुजर गए होंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाए। हालांकि ये हर कोई समझता है कि जब किसी परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है और उस समय वो इंक्वायरी करने के बजाय जो एक्शन कहा जाता है दूसरी तरफ से करने के लिए, वो एक्शन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और यही कारण है कि उनका कारोबार कालाबाजारी जो है वो फल फूल रहा है और ऐसे अपराधियों का जो सक्सेसफुल मिशन है वो हो रहा है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर देख लीजिए या फिर कई बार आपके व्हाट्सएप पर भी कुछ ऐसे नंबर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये ऑक्सीजन सप्लायर का नंबर है और आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस पर कांटेक्ट करने से उसका फोन नहीं मिलेगा, उसका फोन जरूर मिलेगा। उस तरफ से एक शख्स फोन उठाता है और उस शख्स से बात जब आप करेंगे तो आपको पूरा इस तरीके से लगेगा कि हाँ ये ऑक्सीजन सप्लायर है, लेकिन वो सीधे तौर पर आपसे ये पूछेगा कि कहाँ पर सप्लाई करनी है और साथ ही वो ये कहता है कि इतने लीटर गैस सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतने रुपए आपको खर्च करने हैं और इतने लीटर के लिए इतने रुपए आपको खर्च करने हैं, क्योंकि आपको अपने मरीज को बचाना है। तो आप ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं, लेकिन ये हकीकत है। हमने भी कोशिश की ऐसे सप्लायर से बात करने की, तब हमें जाकर साफ हुआ कि किस तरीके से पूरा खेल खेला जा रहा है। और ऐसे में आपको बचने की जरूरत है क्योंकि सीधे तौर पर वो शख्स आपसे ये कहेगा कि आपके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस पे करने की जरूरत है और हम कैश नहीं लेते हैं बल्कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, हमें ऑनलाइन पैसा हमारे अकाउंट में भेजिए। वो या तो गूगल पे या फिर अपना अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर करेगा और आपसे वो मोटी रकम वसूल कर लेगा, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये का सिलेंडर। और उसके बाद कहा जाता है 50% आप हमें एडवांस दीजिए। और ऐसे में जब हमारे परिवार का कोई सदस्य परेशान होता है तो हम ज्यादा सवाल ना पूछकर सीधे हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं और ऐसे में वो अपराधी हो जाता है बिल्कुल अपने मिशन में सक्सेसफुल। लेकिन ऐसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है और प्रशासन को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। लेकिन हम क्योंकि जिस तरीके से इस समाज के ही नागरिक है तो हम सबको एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत है मदद के लिए, और इसी तरह से हमें ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी करना है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूं ताकि आप लोग थोड़े सतर्क हो जाए। अगर आप भी इस तरीके से किसी भी ऑक्सीजन सप्लायर का नंबर अगर आपको मिलता है, आप उस पर कॉल करते हैं, तो पहले आप ये जांच लीजिए कि वाकई ये ऑक्सीजन सप्लायर है या फिर ये गोरख धंधा चला रहा है, मोटी रकम वसूलता है ये एडवांस पेमेंट कराकर। और उसके बाद आप जब दोबारा से उस नंबर पर फोन करेंगे तो वो नंबर स्विच ऑफ मिलेगा, यानी कि आप अपने मरीज के लिए परेशान भी हुए, पैसा भी आपने खर्च किया और आपको ऑक्सीजन तक भी नहीं मिल पाई। ऐसे में बेहद जरूरी है हर एक नागरिक का सतर्क रहना और साथ ही साथ प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करना, भंडाफोड़ करना जो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, जो ऐसी परेशानी में भी ऐसे त्राहिमाम त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, इसमें भी अपनी जेब भरने के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ना किसी के प्राण की चिंता है, ना किसी जान की चिंता है, ना किसी परिवार से कोई लगाव वो दिखा रहा है। सिर्फ वो कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरा है, आप सिर्फ हमें पेमेंट कीजिए और आप जितना चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए। तो इसीलिए आप सतर्क रहिए, ये वीडियो आगे भी शेयर करते रहिए ताकि लोग किसी भी मोबाइल नंबर पर किसी भी ऑक्सीजन सप्लायर करने से के
बात करने से पहले वो उस नंबर को जांच पड़ताल कर ले, कई सवाल वो पूछे, और अगर आप भी इस ऐसे किसी ऑक्सीजन सप्लायर के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो सीधे इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं अपने नजदीकी थाने में जाकर या पुलिस प्रशासन को ये नंबर शेयर करके। बेहद जरूरी है हमें इस वक्त हर एक दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ पहुंचाना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि एक तरफ जहां हम पैसों से मदद पहुंचाते हैं, जहां हम एक तरफ उपकरणों से मदद पहुंचा सकते हैं, तो वैसे ही इस तरीके की मैसेजेस सर्कुलेट करके भी हम उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें जो लूटने की कोशिश कुछ गिरोह कर रहे हैं उनसे बचाया जा सकता है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है मेंशन जरूर कीजिएगा, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में जाकर, और अगर कुछ भी जहन में आपके सवाल है वो सवाल भी आप यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में रखिएगा ताकि आगे मैं आपको वीडियो के जरिए ही जवाब दे सकूं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।